हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 111111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग एरीज की, यानी कि मेष राशि वालों की, और बताने की कोशिश करूंगी कि जो आने वाले 10 दिन है ये आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा न्यू मून एनर्जी भी चल रहा है, काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, काफी प्लैनेट्स ने रेट्रोग्रेड हुआ है, ट्रांजिट किया है, आपको पता ही होगा, आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा। तो आज हम पर्टिकुलरली देखने की कोशिश करेंगे कि अभी से, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें, जब भी आप इस एनर्जी तक कनेक्ट हुए, तब से जो आने वाले 10 दिन है वो आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ओके। तो जितना आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि मेष राशि वालों की लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। क्या कोई लेसन है जो आपको सीखने की जरूरत है, या कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी लाइफ में, या आपने कुछ अगर एम किया है, अगर आपने कुछ सोचा है, आपकी कोई विश है, क्या वो फुलफिल होने वाली है। कई सारी चीजें होती है हमारी जिंदगी में, सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे मैसेज आपके लिए। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, अभी मैं बात कर रही थी, और कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग्स का, शून्य। एक्सीलेंट, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, सो पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, ग्रेट स्टार्ट एरीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव नंबर 15, टेम्पटेशन। ओके, वी हैव रेस्ट एंड रिज्यूविनेट, नंबर 4। Very nice. And we have moment choices and decision, number 2. और यहाँ पे भी कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, नंबर 13। सो जो सिग्निफिकेंट नंबर है आपके लिए मेष राशि वाले, वो है 15, नंबर 4, नंबर 2। एंजल नंबर 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और बाकी जो मैंने नंबर्स बताए वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपके लिए अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो तीन मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, और ये तीनों मेजर कार्ड मेजर चेंजेस के बारे में बात करता है। देखिए, अभी जो आपका करंट टाइम फ्रेम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी डाउन चल रही है। डाउन इन द सेंस कि मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो काम में एक न्यूनेस आपको फील नहीं हो रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ी पॉज की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एज यू आर अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, और आप हमेशा चाहते हैं कि कुछ हो या ना हो आपकी चीजें बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचे, यानी कि आप चाहते हैं कि आप जो एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो आपका वर्क लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ जो आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी देख रही हूँ, सबसे पहले ये कि आपके लाइफ पे न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। किस चीज की न्यू बिगिनिंग्स हो रही है? यहाँ पर बिगिनिंग हो रही है आपकी एक फ्रेश स्टार्ट की। तो आप में से कई लोग अगर अभी अपने जॉब से ब्रेक ले चुके हैं, या अपने बिजनेस को कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपने एक टाइम पे स्टार्ट किया था, उसमें पॉज लग गया था, उसको अगर आप री इनिशिएट करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आज के दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आज का दिन भी कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आज है 10th of May एंड आज अक्षय तृतीया है, आपको तो इसका सिग्निफिकेंस पता ही होगा। तो अगर आज आप इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं और आज आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, इट्स एन ऑस्पिशियस डे, तो आपकी जो प्लानिंग्स रही है, जिसको लेकर आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग की है, स्पेशली वो चीज जो आपके ड्रीम से जुड़ी हो, जो आपके पैशन से जुड़ा हो, जो कहीं ना कहीं कुछ इतना इम्पोर्टेंस रखता हो आपके लाइफ में कि हाँ ये करके आपके सोल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है,
उसकी बिगिनिंग में देख पा रही हूँ, यानी कि उस चीज का बीज जो है आज आप बोने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लिए वो शुरुआत का टाइम होगा, एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं आपके लिए। दूसरी चीज ये भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए है थोड़ा पेशेंसली काम लेने का, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करने का। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि शनि महाराज का साल है, तो चीजें जो है, बिकॉज शनि जो है वो बहुत धीरे उनकी मूवमेंट होती है, तो आपके लिए ये भी एक मैसेज है कि अभी जो टाइम आपका करंट टाइम फ्रेम जो चल रहा है, ये थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेट का, यानी कि थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा यू नो अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा इन्हांस होने दीजिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा अपने एटमोसफेयर को चेंज कीजिए। अगर आप रोजाना जिंदगी में हैं जहां पर आप काम से घर, घर से काम, घर की चीजें, ये वो लॉट ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा आपको इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। तो आपके लाइफ में जो फिलहाल जो बदलाव आप देख पाएंगे 10 दिनों में या उसके आगे भी, क्योंकि आपके लिए आगे की भी एनर्जी है, ये चेंज जो है सिर्फ 10 दिन की एनर्जी नहीं, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल चेंज आया। मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ की आपके लिए एनर्जी आई है, वो ये आई है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आप जिस भी चीज की शुरुआत करेंगे ना, उससे आपको एक एडिक्शन हो जाएगा। ये खराब एडिक्शन मुझे नहीं दिख रहा, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि मान लीजिए आप अपना कोई आपका ड्रीम है, आपका कोई पैशन है जिसको आप फॉलो करना शुरू करेंगे, आप उसके बाद देखना शुरू करेंगे कि उसके प्रति आपका इतना रुझान बढ़ गया है, आप इतना ज्यादा उस चीज के अंदर घुस गए हैं कि फिर आपको कोई और चीज नहीं दिखेगा। आप एकदम अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल काम ही करते रहेंगे, तो शायद आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे ऐसे ग्रहों की प्लेसमेंट भी होने वाली है जिससे आप इस चीज को देखेंगे कि आप जो भी चीज करने की शुरुआत करेंगे वो चीज आपके लिए एक कहते हैं ना काम का नशा, या फिर इस चीज को पाने का नशा वो हो जाएगा। इस नशे वर्ड को आप गलत सेंस में बिल्कुल मत लीजिएगा, इट्स लाइक एडिक्शन टू सर्टेन थिंग, और ये इन अ गुड वे है, इट्स नॉट इन अ बैड वे। दूसरी चीज, अगर आपके लाइफ में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रहा था, ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लाइफ में आपको हॉन्ट कर रही थी, इन द सेंस कि कोई पास्ट की बैड मेमोरी हो सकती है, कुछ पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ अपनों से मिले हुए धोखे हो सकते हैं, आप इससे बाहर डेफिनेटली आएंगे और ये आप अपने आप में भी फील कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप आने वाले 1 से 2 हफ्ते, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं बोलूंगी 1 से 2 महीने में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी ओवरऑल 4 से 6 महीने की एनर्जी आई है, तो आप ये चीज डेफिनेटली देख पाएंगे कि आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपने काम को 100 नहीं 200% तरीके से करेंगे, तो आप देख पाएंगे आपके लाइफ में बहुत तरीके की चॉइसेस आ रही है कि आपको बिन मांगे मदद मिलेगा, आपको लोग हेल्प करने आएंगे, आपसे जो लोग कट ऑफ हो चुके थे वो आपसे जुड़ने के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को फील कर पाएंगे ना कि लोग जुड़ रहे हैं। आप किसी से नहीं जुड़ रहे, आप जैसे थे आप वैसे ही हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ओवरऑल आपके लिए टाइम है, ये मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है, तो जो पास्ट के बैगेजेस थे उसको आप छोड़ेंगे, आप एक नई शुरुआत करेंगे, जो काम आप करेंगे उसके प्रति आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा होगा, प्लस आप थोड़ा वक्त अपने आप के साथ बिताएंगे। अगर आप मैरिड हैं या अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स देती रहेगी, तो काफी अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। लेट्स सी, एरीज, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या चेंजेस है। ओके, 5 of Cups, 8 of Swords, the Wheel of Fortune, 10 of Swords, very nice, the Hermit, oh beautiful, the Fool। आपने सुना होगा, मैंने जब रीडिंग स्टार्ट किया था, मैंने न्यू बिगिनिंग के कार्ड को देखकर आपको बोला था
कि फूल की एनर्जी मेजर आर्काना कार्ड की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हो रही है और टैरो से भी आया है, सो एक्सीलेंट। तो चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स की और आपको बताते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले बता रही थी कि आप पास्ट के बैगेजेस को, जो भी आपका ट्रॉमा रहा है, जो भी आपके कष्ट रहे, या कभी कभी आपको सेल्फ डाउट भी अपने आप को लेकर हुआ है कि लोग मुझे गलत कह रहे हैं, लोग मुझे खराब कह रहे हैं, लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, क्या मैं सच में गलत हूँ, तो अगर आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, आप इससे बाहर आने वाले हैं। अगर आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहां आपको बहुत धोखा मिला है, लोगों ने चीटिंग की है, लोगों ने आपको दर्द दिया है, लोगों ने आपके पीठ पीछे बात की है, लोगों ने कहीं ना आपको हर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपके दिल को नहीं, आपकी आत्मा को अगर चोट पहुंची है ना, तो इस चीज से आप बाहर आने वाले हैं। अगली जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है वो ये है कि अगर आपको किसी चीज को, किसी चीज के खोने का आपको डर था, या फिर कुछ अगर आपके जिंदगी से कुछ रिश्ते छूट गए, कोई नाते टूट गए, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपको इसके लिए भी अपनी गलती नजर आ रही थी, ये चीज भी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है। क्या आ रही है? आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी कि अब जो है किस्मत आपके फेवर में है, यानी कि आपने जो अब तक, और पता नहीं क्यों आपके इस कार्ड को देखकर लग रहा है ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये पिछले कई सालों की एनर्जी है, एक बोझ है कुछ लोगों के लिए, तो ये 10 साल की एनर्जी है, 10 से 12 साल की एनर्जी है कि आप एक बोझ सा महसूस करते थे, आपको ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं जिंदगी में, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। तो ये जो एक एनर्जी, ये जो एक फीलिंग आपके अंदर हमेशा रही है, मे बी जब भी आप अकेले रहते हैं, या अपने आपके साथ ये फील हमेशा करते हैं कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, आई एम द प्रोवाइडर, मैं घर के लिए भी कर रहा हूँ, मैं अपनों के लिए भी कर रहा हूँ, मैं प्यार में भी हूँ, वहां भी मैं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग माई 200% टू एवरीथिंग, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम स्टिल सैड एंड शैटर्ड। तो इस चीज से बाहर आ रहे हैं। अब जो है किस्मत आपको फेवर डेफिनेटली करने वाली है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है, अपनी जिंदगी का महत्व आप समझने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये भी मुझे बता रहा है कि लाइफ इज ब्यूटिफुल, जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, और आपको कहीं ना कहीं ये जिंदगी एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देने वाली है। क्या रिवॉर्ड देने वाली है आपको जिंदगी? ये जो आपने इतना कष्ट किया, इतने लेसन्स आपने सीखे, फिर भी ये जो आप नहीं हारे, ये जो आपने अपने अंदर अभी भी वो स्ट्रेंथ बनाकर रखा ना, इसीलिए आपके लिए जिंदगी आपको एक तोहफा दे रही है। किस तरीके से? कि आप जो भी करना चाहते हैं जिंदगी में, जिस चीज की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड भी देखा था, और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी है। ये कार्ड हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप के लिए टाइम निकल पाएंगे। आपकी सोल, आप में से कई लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो काफी मैच्योर सोल है। यानी कि हो सकता है आपने बचपन से ही देखा होगा, आपने सुना होगा अपनी मम्मी से, अपनी नानी दादी, अपने बुजुर्गों से, कि आप बहुत जल्दी वक्त से पहले मैच्योर हो गए थे, आपको सेंस बहुत था। देखिए, आप में मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रही हूँ कि जो आपके लाइफ में हुआ हो सकता है। तो आपकी सोल जो है ना, काफी मैच्योर सोल है, और आपकी सोल को पता है कहीं ना कहीं कि चीजों पर एक्ट कैसे करते हैं। आपको हमेशा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है, आपको पता रहता था, या फिर आप इतने सेंसिबल थे कि आप चीजें समझ जाते थे। तो बहुत ऑस्पिशियस टाइम है आपकी जिंदगी का, आप अपने सपनों को जीने वाले हैं, आपकी जिंदगी आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है, एक ब्रेक थ्रू है आपकी जिंदगी में कि हाँ, अब तक आपकी जो सफरिंग थी वो चल रही थी, लोग आ रहे थे, आपको लेसन दे रहे थे, आप तो प्यार कर रहे थे, लोग आपको धोखा दे रहे थे, लोग आपको गलत समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, इन सब से कहीं ना कहीं बाहर जाने वाले हैं। एक और बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नेचर से कनेक्ट करने के लिए, हो सकता है आप अपने काम से ब्रेक लें, आप बाहर जाएं, आप नेचर से कनेक्ट करें, आप कोई मोनेस्ट्री जा सकते हैं, कोई मंदिर जा सकते हैं, कहीं भी, जहां भी आपको नेचर से कनेक्ट करने का मौका मिले, आफ्टर दैट, पोस्ट उस चीज के बाद आप देख पाएंगे कि ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आप देखेंगे कि लोग जो आपसे अब कनेक्ट कर रहे हैं वो मतलब ही नहीं रहे, लोग आपको फेवर कर रहे हैं, और ये सिर्फ कोई मतलब से नहीं करेंगे, लोग आपको अब समझना शुरू करेंगे। सो इट विल बी अ बिग चेंज फॉर यू। ओके,
चलिए थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए. ओके, दो कार्ड आया है. पहला आया है फ्रेंडलीनेस, दूसरा आया है साइलेंस. वी हैव ऑर्डिनरीनेस. ओके, ओके, वी हैव टू कार्ड्स अगेन. वी हैव एडवेंचर एंड वी हैव इंटेंसिटी. ब्यूटिफुल. ओके, यहां से आया है नंबर 7 प्रोजेक्शन. एडिशनली भी मैं अगर इस चीज को बोलना चाहूं तो मैं यही बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स को पता है आपका नेचर कैसा है. यूनिवर्स को पता है कि आप क्या वाइब्रेशन यू नो दूसरों के लिए सोचते हैं. आप एक ऐसे इंसान है ना मेष राशि वाले, जिसके साथ अगर किसी ने गलत भी किया हो ना तो आप भगवान के सामने उसके लिए बुरा कभी नहीं मांगते. आप सिर्फ भगवान से कहते हैं कि भगवान सबका भला करना, क्योंकि सबके भलाई में ही मेरी भलाई है. आप में बदले की भावना नहीं है. हाँ, आपको दुख होता है, आपको गुस्सा आता है, बट कहीं ना कहीं आप में रिवेंज लेने की भावना नहीं है. आपको लगता है कि मैं रिवेंज लेने वाला कौन हूँ. रिवेंज अगर लेना है या कुछ लेना है तो भगवान काफी है. या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा यू नो कर्म था जिसके वजह से मैंने इस चीज को भोग किया, तो शायद अब ये मैंने भुगत लिया तो ये मेरा यू नो हिसाब बराबर हो गया. तो कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर सो इनोसेंट, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप में बहुत सादगी है. यानी कि आपको आप में से कई लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं, स्पेशली अगर आप एक फीमेल है तो आपको ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं होगा. यस, ये मैसेज आ रहा है मुझे. यू आर अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ पर्सन. आपको लगता होगा कि नहीं, मैं जैसी हूँ, आई एम गुड, आई एम ओके. क्या है सजने संवरने में, क्या है, इट्स ओके, मैं जैसी हूँ, आई एम ग्रेट. आपको ज्यादा यू नो बाहर जाना, पार्टी करना, यू नो तैयार होना, सैलॉन जाना, ये सारी चीजों का आपको नहीं होता होगा. और इफ यू आर अ मेल तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि नहीं, जैसी जिंदगी है सादी जिंदगी है, मुझे खाने को रोटी मिल रही है, कपड़े पहन रहा हूं, मैं घर पे हूं, मैं ठीक हूं. आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब मैं ऐसा पर्सनैलिटी आपको बता रही हूँ कि आप में कुछ वो नहीं है कि हाँ मुझे यही चाहिए इसी वक्त चाहिए. वैसा जील आप ऐसा कुछ एडिक्शन वाली चीजों में ना आपका वो नहीं है. अगर आपको वक्त के साथ मिलता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं. तो कहीं ना कहीं आप आने वाले वक्त में अपने लाइफ में एक इंटेंसिटी देखेंगे, एक पावर देखेंगे, लोगों का नजरिया आपको लेकर बहुत ज्यादा बदलते हुए आप देखेंगे कि यस लोग बदल रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं. और कहीं ना कहीं आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा यू नो एडवेंचरस होने वाला है, बहुत ज्यादा यू नो अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, एंड ब्यूटिफुल चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. चलिए थोड़े और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए. ओके, वी हैव जेंटलनेस इन स्ट्रेंथ. ओके, प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी. यहाँ पे द गोरिल्ला, द लायनेस, एंड यहाँ पे आया है प्रिकल्स पुश पीपल अवे, शो योर सॉफ्टर साइड. ओके, ऑलराइट. तो आपके लिए जो तीन इंपॉर्टेंट एनिमल स्पिरिट से मैसेज आया है वो ये आया है कि सादगी में, जेंटलनेस में, जो एक हम अपना सॉफ्टर साइड लोगों को दिखाते हैं उस पर कहीं ना कहीं ये पूरी जिंदगी बसी है. देखिए, गुस्सा सब लोग कर लेते हैं, यू नो अब शब्द हम बहुत ज्यादा निकाल लेते हैं जब हम बहुत बैड टेम्पर में होते हैं, ये तो सभी लोग करते हैं. जो लोग बहुत विनम्र होकर बहुत प्यार से आपको कोई बात कहते हैं या समझाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में रह जाता है. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अब आपको एक हेल्थी बाउंड्री बनाने की जरूरत है अपनी जिंदगी में. किस चीज के लिए? क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ पे जो इस रीडिंग में जुड़े हैं वो ऐसे इंसान हैं जिसकी लाइफ में कोई भी आ जाता है, आपको हर्ट कर देता है, चला जाता है, वो तो चला जाता है, आपके अंदर वो चीज रह जाती है, आप दुख में रहते हैं और आप चीजों को भूलते नहीं है. आपको हमेशा याद रहता है कि आपके साथ बचपन में भी क्या हुआ था. सो आपको यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है कि इस चीज को अब आप प्रोटेक्ट करेंगे. इस चीज का आपको अब समझ हो चुका है तो उसी हिसाब से आप आने वाले समय पे एक्ट भी करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है.
चलिए देख लेते हैं थोड़े और मेसेजेस आपके लिए. ओके ओके, दो मैसेज यहाँ से आ गया है. लेट्स सी. पहला है ग्रास हॉपर. सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग. तो कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जिसको केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा. ये आपका कुछ पर्सनल मैटर से रिलेटेड हो सकता है. कुछ लोग अगर सेपरेशन, डिवोर्स या ऐसे किसी सिचुएशन या कोई पार्टनरशिप डीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली यू नो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना. कोई भी अगर आप डीलिंग करने वाले हैं इस चीज पर ध्यान दें. टर्म्स एंड कंडीशंस को जिसको हम बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं अच्छे से पढ़ने की आपको जरूरत है. नेक्स्ट इज बर्ड फ्लाइंग. न्यूज इज ऑन द वे. तो यस, कोई खुशखबरी है जो आपके तरफ उड़ते हुए आ रही है. सो वेरी नाइस. ओके ओके, आपके दो मैसेजेस आ गए यहां से. पैरेंट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स. तो कोई है जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करेगा, आपके सारे सीक्रेट्स बताएगा. सो बी केयरफुल कि आप किससे क्या बात करें. समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसीलिए भी शायद आपके लिए ये आया था कि इस चीज से अब आप बाहर निकलने वाले. तो ये जो सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है कितना रेजोनेट कर रहा है कार्ड, कि सबसे पहले ऐसा है कि कुछ सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा. कुछ लोग आपके पर्सनल बातों को यू नो लेकर गप्पे मारेंगे. कुछ लोग हैं जो यू नो आपके अगेंस्ट काम करें. तो इन सारे की एंडिंग आपको देखने को मिलेगी. तो ये कहीं ना कहीं अभी की सिचुएशन नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुकी है. अब आप इस चीज से बाहर आएंगे, अब आप इस चीज को रिकवर करके आगे बढ़ेंगे. सो वेरी नाइस. चलिए देख लेते हैं थोड़े और मैसेजेस. एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए एरीज. मैनिफेस्टेशन. तो यस, आप मैनिफेस्ट कीजिए और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी बात सुन रही है. आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा यू नो आप पावरफुल पर्सन हैं. और मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी आप दिल से कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, यूनिवर्स बहुत जल्दी इसको रिस्पॉन्ड करती है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस. तो स्ट्रेंथ का मैसेज दो दो बार आया है. तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको समय समय पर स्ट्रेंथ भी मिलता रहेगा और गाइडेंस भी मिलती रहेगी. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत सारे चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं. लोगों की सच्चाई आपकी जिंदगी में सामने आने वाली है ताकि आप समझ सके कि किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं. ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग. होप कि आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय.